गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास थर्ड साइंस प्लांट्स लाइफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे पिछले कल मैंने 12 मई 2020 को खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स इनके बारे में पढ़ाया था, आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ होगा, तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स होती है, ये फसलें होती है और इनको कौन से मंथ में उगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास खरीफ क्रॉप्स, सीड्स आर सोन इन जून जुलाई। जो बीज है वो कब बोए जाते हैं, ये जून और जुलाई के मंथ्स में बोए जाते हैं। दीज क्रॉप्स आर नोन एज मॉनसून क्रॉप, और इन क्रॉप्स को, इन फसलों को हम मॉनसून क्रॉप में बोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉनसून के टाइम ज्यादा होती है क्रॉप्स, तो इनको मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रो इन हॉट एंड वेट कंडीशन, ये कहां उगती है, जब मौसम क्या होता है, बहुत गर्म होता है और नमी वाला हिस्सा होता है, नमी जो कंडीशंस होती है वो नमी वाली होती है। अब आप लोगों के पास है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या होता है, सीड्स आर सोन इन नवंबर और दिसंबर। जो सीड, जो बीज है वो कब बोए जाते हैं, नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। दीज क्रॉप आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स, इन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स को भी बोला जाता है, सर्द ऋतु फसलें भी बोला जाता है। ग्रो इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन, ये कब उगती हैं, जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो और सूखा हो तब ये क्रॉप्स उगती हैं। और जैसे कि उसका फोर्थ पॉइंट है, हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर। जो खरीफ क्रॉप्स है उनको हम कब काटते हैं, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में। और रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, इस मंथ इनको काटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीफ क्रॉप्स आर पैडी मेज एक्सेट्रा। तो खरीफ फसलें होती कौन कौन सी है, पैडी और मेज। पैडी को क्या बोला जाता है बच्चों, जैसे कि पैडी को बोला जाता है, बच्चों आपको पैडी को बोला जाता है धान और मेज क्या होता है मक्का। वैसे आपके पास रबी क्रॉप्स आर वीट ग्राम एक्सेट्रा। तो रबी क्रॉप की फसलें कौन कौन सी होती है, वीट गेहूं एंड ग्राम बाजरा एक्सेट्रा। थैंक यू।